से इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार है मुसाफिर। हमारे नुमाइंदे वकील राव हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन में शामिल करें। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ना दहिंदगान के खिलाफ रिकवरी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बकाया जात अदा ना करने वाले सूबाई और वफाकी महकमों के अलावा निजी सार्फीन के बिजली के कनेक्शन भी मुनकता करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तफसीलात के लिए जुनेद खान ज्यादा की रिपोर्ट देखिए। हेस्को के सीईओ मुजफ्फर अली अब्बासी की खसूसी हिदायत पर तमाम ऑपरेशन सर्किल के अफसरान की निगरानी में जुमेरात से नादहिंदगान के खिलाफ बकाया जात की वसूली का ऑपरेशन शुरू हो गया। हेस्को तर्जुमान के मुताबिक 1,40,00,000 रुपए के नादहिंदा होने पर सबसे पहले कोठरी, मीरपुर खास, शहदादपुर, नवाबशाह, डिग्री, टंडो आदम, उडेरोलाल, लुंडो, अल्लाडीनो खान समेत दीगर इलाकों में रेलवे स्टेशन की बिजली मुनकता की गई, जबकि हैदराबाद में 40,00,000 से जायद के बकाया जात की अदम अदायगी पर हैदराबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी की भी बिजली मुनकता की गयी। क्या करें बताए, ना बिजली है ना पानी है, क्या करें, क्या हालत है, आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं आप कैसे बच्ची रो रहे हैं, पीछे बच्चे रो रहे हैं, पीछे वो लेडीज बैठी हुई है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि बदीन में इनकम टैक्स, कोठरी व कोट गुलाम मोहम्मद में नेशनल बैंक, तलहार में पोस्ट ऑफिस, जरई बैंक, काजी अहमद में 54 ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे गए, जबकि नवाबशाह में इनकम टैक्स, सुई सदरन गैस के दफातर, डिग्री व टंडो बागो में नादरा और इनकम टैक्स, जबकि हैदराबाद में हेडक्वार्टर थर रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड के दफ्तर की बिजली भी वाजबात की अदम अदायगी पर काट दी गई। हेस्को रीजन के 12 अजला में तमाम नादहंदा वफाकी सूबाई और निजी सार्फीन से वाजबात की वसूली के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। रिकॉर्ड के मुताबिक हेस्को के 2,13,000 नादहंदा निजी व सरकारी इदारों के सार्फीन पर 42,94,04,84,000 रूपए के वाजबात है। जुनैद खान ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, हैदराबाद। मुस्लिम